मेरा नाम शाहिद है और मैं BGRM हॉस्पिटल से या राजीव गांधी हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया था आज से 5 दिन पहले। तो आज शाम को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा कि अभी भी हमारे बहुत से भाई हैं जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे, जबकि आपको पता है बाकी जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतना एडवांस मेडिकल सिस्टम होने के बावजूद उन लोगों ने कान पकड़ लिए हैं कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम उनके काबू में आ जाए। हमारे इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। आपको चार काम करने हैं और इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नंबर एक, आपको कॉन्टिन्यूसली गर्म पानी पीना है, सिर्फ गर्म पानी आपको पीना है। इतना गर्म पीना है कि जितना आप आसानी से पी सकें, स्वेलो कर सकें। नंबर दो, आपको गरारे करते रहने हैं। गरारे करने से क्या होगा, क्योंकि सैंपल भी जो लिया जाता है वो बिल्कुल यहाँ हलक के अंदर स्वैब डाला जाता है और नाक के अंदर डाला जाता है, तो गरारे करने से क्या होगा, वो इन्फेक्शन और मतलब बाहर अपने आप ही आ जाएगा। उसके अंदर माउथ वॉश से कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ गर्म पानी के अंदर बीटाडीन मिला के या वैसे कुछ हो आपके पास उससे कर लें आप। नंबर तीन, आपको क्या करना है कि अगर आपको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, भाप लेनी है, स्टीम स्टीम लगानी है। स्टीम लगाने से आपके अंदर का जो वायरस होगा इंशाल्लाह वो भी जल्दी जल्दी रिकवर होगा, और अगर नॉर्मल खांसी ज़ुकाम है तो वो ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नंबर चार, आपको क्या करना है कि आपको फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट, जिनके अंदर आपको विटामिन सी मिले। विटामिन सी के अंदर आपको किन्नू मिल जाएगा, ऑरेंज फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब खा सकते हैं आप। और अगर अभी जैसे मार्केट की प्रॉब्लम है, नहीं आना जाना हो सकता है, मेडिकल स्टोर से विटामिन सी की टैबलेट खरीद लीजिए, वो लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये चार काम है दोस्तों, ये चार काम कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, नमाज पढ़िए, वजू के अंदर ये आदि चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त।